नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ टीडी न्यूज, बहुत सारे और जो आपके टीडी काम को काफी आसान बना सकते हैं। और देखते रहिए और सीखते रहिए। हेलो दोस्तों, टीडी का रेंडर करने के लिए हम लोग को काफी टाइम चले जाता है। एक रेंडर निकालना है यानी एक फ्रेम भी रेंडर निकालना है तो हम लोग को लग जाते हैं आधे घंटे या फिर एक घंटे। अगर वक्त को निकालना तो उसके लिए लग जाते हैं हम लोग को महीने, लग जाते हैं 2 महीने, लग जाते हैं इतना लंबा समय चले जाता है। उसको हम लोग फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है लूमियन 7। और लूमियन 7 में क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर क्या हम लोग को मिलता है फीचर, इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर हम लोग को लाइटिंग पहले से रेडी मिलती है, हम लोग को लाइटिंग के लिए ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। इसके अंदर टेक्सचर भी हम लोग को काफी कुछ रेडी टेक्सचर मिल जाता है, और प्लांट भी काफी कुछ रेडी मिल जाते हैं। और लाइटिंग जो होती है स्काई लाइट और सनलाइट, उसके भी इफेक्ट काफी रियलिस्टिक मिल जाते हैं। और हम लोग इसके जो अगर वीडियो बना रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर मटेरियल पास आसानी से इंपोर्ट करा सकते हैं। और रेविट के लिए भी ये सपोर्टेबल है, रेविट की फाइल में देखो, रेविट में लाइव अपीयरेंस लुमिनस, यानी कि इसके रेविट में डायरेक्टली काम करते थे लुमिनस भी डायरेक्टली वर्क होगा, यानी कि इसमें लाइव काम भी कर सकते हैं अगर आप रेविट में काम कर रहे हो तो। ओके, तो इसके ना यहाँ पर देख सकते हो इसे एज मटेरियल, यानी कि एज वाई एज मटेरियल का जो टेक्सचर चेंज होता रहता है, जैसे कि थोड़ा सा पुराना हो गया तो कैसा जंग लग जाता है मटेरियल में, कोई लोखंड का है तो, अगर कोई प्लांट है तो कैसे वो हो जाएगा। इसे प्लांट के लिए तो नहीं दिया हुआ है फिलहाल, जैसे कि गोल्ड है या फिर ब्रोंजा है, सिल्वर है या लेदर है या प्लास्टिक है या फिर स्टोन है या फिर गोल्ड वुड है या फिर वुड है, यानी कि उसके 20 वेदर एज मटेरियल दिए हुए, यानी कि अलग अलग 20 वेदर में या 20 टाइम में या 20 वेदर एज के टाइम में वो मटेरियल चेंज होते रहेंगे, यानी कि हम लोग थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे उसके अंदर तो उसके हिसाब से उसका मटेरियल भी चेंज होता रहेगा। और हम लोग कुछ बैक थ्रू बना रहे हैं उसके लिए कि हाँ थोड़ा टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा जंग आ रहा है या फिर उस तरह का एनिमेशन बना रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। और इसके अंदर बहुत सारे हम लोग को पॉलिश मटेरियल भी मिलते हैं, यानी कि जो हम लोग गार्डन में लगाने के लिए मटेरियल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। कर्टन 20 न्यू टाइप के कर्टन भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं, और बहुत सारे हम लोग को इसके अंदर क्रॉस मिल जाते हैं। 172 न्यू ट्री और न्यू ट्री ऐड हो गया है, 193 इंडोर ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है, 346 आउटडोर ऑब्जेक्ट भी ऐड हो गए हैं, 39 न्यू करेक्टर पोज एंड एनिमेशन, यानी कि न्यू करेक्टर आपको ऐड करना है तो इसके अंदर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर एनिमा की यूज भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको व्हीकल भी मिल जाते हैं, और जहाँ से जापानीज कार एंड स्कूटर, वाओ, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर कार्स और व्हीकल्स मिल जाते हैं। 2 न्यू लाइट टाइप, यानी कि 2 तरह की नई लाइट इसके अंदर अपडेट हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके ल्यूमियन और नॉर्मल में, ल्यूमियन प्रो में क्या क्या है फीचर, अगर ल्यूमियन आप नॉर्मल ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा और ल्यूमियन प्रो ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। और है नया आपके यूजर्स है स्केचअप यूजर्स वाले, जो स्केचअप यूज करते हैं, टेडी मैक्स यूज नहीं करते, ठीक है, तो स्केचअप यूजर के लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज है, ल्यूमियन यूज कर सकते हो। और स्केचअप में और भी नया अपडेट आ गया, अगर आप वीरे यूज कर रहे हो, वीरे रेंडर, तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया कि उसके अंदर हम लोग को जो आपका वीरे 3.5 है उसके अंदर आपको मिलेगा प्रीसेट मटेरियल लाइब्रेरी, जो हम लोग को टेडी मैक्स में नहीं मिलता है वो हम लोग को इसके अंदर स्केचअप में मिल जाएगा, जो वीरे वालों ने नया अपडेट किया है वीरे प्रीसेट लाइब्रेरी। इसके अंदर हम लोग को आसानी से रेंडर कर सकते हो, आसानी से पुट कर सकते हो मटेरियल, आसानी से देख सकते हो कि मटेरियल का इफेक्ट क्या आया है, काफी आसानी से देख सकते हैं। और ये काफी अच्छा अपडेट है वीरे स्केचअप वालों के लिए। ओके, इसके बारे में और भी जानना तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, इसके लिंक में जाके आप और भी जान सकते हो इसके बारे में, इसके क्या क्या नया अपडेट है, 3.5 जो नया वीरे आया है जो स्केचअप के लिए अपडेटेड है। ओके, और नया अपडेट है एग्लो 7। एग्लो 7 में हम लोग को मिलता है कि एग्लो 7 होता क्या है, एग्लो 7 क्या है कि पहले एग्लो 6 था, एग्लो 7 अभी नया अपडेट आया है। एग्लो में होता क्या है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर हम लोग किसी भी करेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, और किसी भी डायनेमिक जो ऑप्शन है, यानी कि हम लोग को फायर ऑप्शन चाहिए, किसी डायनेमिक ऑप्शन बॉल फेंकते हुए जो डायनेमिक इफेक्ट आता है वो भी हम लोग को इफेक्ट चाहिए, और कोई गेमर यूजर है तो उन लोग के लिए भी इसके अंदर काफी आसान हो जाता है। ओके, तो ये है एग्लो 7, और ये एग्लो 7 में हम लोग को देखिए क्या नया अपडेट है, इसके नया अपडेट है इसके अंदर अल्टीमेट एक्सटेंशन मिल जाते हैं। अल्टीमेट एक्सटेंशन यानी कि इसके अंदर हम लोग को बॉल को किस तरह से शेप में एनिमेट करना है, कौन से पोजीशन में
गेमर के लिए काफी कुछ नया अपडेट किया हुआ है, इसके अंदर कर्व फीचर दिया हुआ, कर्व के थ्रू हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कर्व के हिसाब से हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं, और जो करेक्टर एनिमेशन उसको इन लोग ने इंप्रूव किया है, और कैमरा और प्रॉप्स के एनिमेशन में भी इंप्रूवमेंट लाई है। इसके बारे में और भी जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक पे जाके इसके बारे में इसके वीडियो को प्ले करके जान सकते हो कि क्या क्या नया अपडेट है। ओके, इसके अंदर XBAO प्लस करके भी एक नया अपडेट आया है, इसके अंदर अक्लूजन यानी अक्लूजन के थ्रू इसके अंदर डेप्थ वगैरह मटेरियल को भी डेप्थ दे सकते हो, वो सब चीजें इसमें अपडेट हुई है। स्टैक 3D कंपोजिटिंग यानी कि डायरेक्टली हम लोग 3D में कंपोजिटिंग भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इंडिविजुअल शैडो शेडिंग, इंडिविजुअल यानी कि किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का किसी का भी हम लोग को शेडो क्रिएट करना है तो आसानी से शेडो क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी कोई भी अगर इमेज हम लोग के पास है, कोई स्टिल इमेज है, तो हम लोग उसके ऊपर करेक्टर चला के उसके ऊपर शेडो भी गिराना है, और हम लोग के पास सिर्फ बैकग्राउंड इमेज है उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये भी इसके अंदर अपडेट दिया गया है कि इसके अंदर हम लोग डमी प्रॉप्स को डमी प्रॉप्स बना के एक अलग से करेक्टर को भी उसको बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में हम लोग किसी करेक्टर को प्ले करना है, उधर करेक्टर नहीं है तो उसको हम लोग इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, यानी किसी वीडियो के अंदर ही हम लोग करेक्टर भी डाल सकते हैं, उसके शेडो भी उसके ऊपर गिरेंगे, उसके भी अपडेट इसमें दिए हुए हैं। प्रोफेशनल कलर शेडिंग भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इसके दिया हुआ था कि फ्री इंस्टेंट 3D कंपोजिटिंग कर सकते हैं, तो वैसे प्रोफेशनल शेडिंग यानी कि शेडिंग भी इस तरह का शेडिंग हम लोग को चाहिए, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग तो वो हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। और पाइथन स्क्रिप्टिंग भी इसके अंदर अपडेट है, नई नई पाइथन स्क्रिप्टिंग जिससे आपका जो एनिमेशन है, जो आपको मोशन ग्राफिक बनाना है उससे आपको आसानी मिलेगी। इसके अंदर आपको डायनेमिक कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि आप हैंड कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार। देखिए लिप मोशन करके एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लिप मोशन करके जो आप अपने हाथ हिलाओगे तो उसके हिसाब से अंदर भी वो एनिमेट होगा, यानी कि वो अंदर भी कंट्रोल होगा, जैसे बॉल को पकड़ोगे वो देखोगे, वो सब चीजें अपडेट होंगे। अब ये फिलहाल तो प्री ऑर्डर पे है, फिलहाल तो बाय पे नहीं दिख रहा है, प्री ऑर्डर पे बाय कर सकते हो आप। ओके, इसके बारे में अगर आपको पूरी तरह से जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं। ओके, ये थे नए अपडेट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और आपको आए के और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। काबू टेक, जय हिंद, वंदे मातरम।